नमस्कार, वेब दुनिया के प्राइवेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली आबकारी घोटाले को लेकर डिप्टी सीए मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ। सीबीआई ने पहले 3 घंटे तक पूछताछ की, फिर लंच के बाद भी हुई सिसोदिया से पूछताछ। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले किया शक्ति परीक्षण। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली पुलिस ने किया हिरासत में। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ के खिलाफ कर रहे थे धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट से उपचुनाव नहीं लड़ेगी भाजपा। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार मुरजी पटेल अपना नामांकन वापस लेंगे। शिवसेना ने दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों के लिए जारी की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त। प्रत्येक पात्र किसान के खाते में जमा होंगे 2,000 रुपए। मोदी ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का किया शुभारंभ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न। 19 जुलाई को होगी मतगणना। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में। खड़गे की जीत लगभग तय। सोनिया राहुल और प्रियंका ने भी किया मतदान। कांग्रेस को मिलेगा 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष। सीताराम केसरी कांग्रेस के आखिरी ऐसे अध्यक्ष थे जिनका गांधी परिवार से कोई नाता नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरन कोट इलाके में आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़। सांगला में आतंकियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार और असलाह बरामद। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में इजाफा। लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पीएम 2.5 का स्तर 169 और पीएम 10 का स्तर 206 रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में 19वीं इंटरपोल महासभा करेंगे संबोधित। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। राजस्थान में फिर आमने सामने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने नई युवा पीढ़ी का सब्र रखने की दी नसीहत। सचिन पायलट का भी पलटवार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। सौरव गांगुली के समर्थन में खुलकर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दादा को बीसीसीआई से हटाने पर उठाए सवाल। पीएम मोदी से आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए सौरव गांगुली को भी जाने की मांग। मध्य प्रदेश में धनतेरस पर पीएम मोदी। 4.5 लाख लोगों को देंगे घर की सौगात। 1 महीने के अंदर पीएम मोदी का तीसरा बड़ा कार्यक्रम। सतना में होने वाले कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे पीएम मोदी। इंदौर में अभिनेत्री वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में पुलिस ने तेज की जांच। बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, 2 के खिलाफ धारा 306 में दर्ज किया गया। वसुंधरा राजे द्वारा राजस्थान के बेगारों के पलायन संबंधी बयान पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैं उनका बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि भाजपा उनके साथ जो अन्याय कर रही है वह सबके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में व्यवहार ठीक नहीं है। बीएसएफ कमांडेंट घनश्याम दास ने बताया कि अमृतसर में पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को बीएसएफ ने नीचे गिराया। हमारे जवानों ने रात में इस ड्रोन की आवाज सुनी और 7 राउंड फायर किए। इसे 2 किलो हेरोइन मिली है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्यूशन से लौट रही युवती से दुष्कर्म। डीसीपी ईस्ट प्राची सिंह ने कहा कि हमने इस मामले में अभियुक्त की पहचान कर ली और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। यह 15 अक्टूबर की रात की घटना है। चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। कश्मीरी पंडित की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा वाले कहते थे कि 370 हटने से सब ठीक हो जाएगा, अब क्यों मृत्यु हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हालात बेहतर होते तो वो मारा नहीं जाता। शेयर बाजार में उछाल। बीएसई सेंसेक्स 491 अंक चढ़कर 58,411 अंक पर बंद हुआ। वही एनएसई निफ्टी भी 126 अंक की बढ़त के साथ 17,312 अंक पर बंद हुआ। अजय देवगन अभिनीत फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज। मलयालम फिल्म का यह रीमेक 18 नवंबर को होगा रिलीज। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी ने पहले वीकेंड पर किया 15.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन। कन्नड़ फिल्म कांतारा के हिंदी डब वर्जन ने किया पहले वीकेंड पर 7.52 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।